मिलाकर बैठ जाएं, हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें, हाथों को नितंबों पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर हो, कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटी भाग से यथा संभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सांप। सावधानियां। हर्निया एवं पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकर आसन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं, हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को शरीर से लगा कर रखें। श्वास लें और रीढ़ से मोड़ते हुए सिर और छाती को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, सिर को नीचे लाएं और थोड़ी दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनियों से मोड़ते हुए दाई हथेली को बाएं कंधे पर और बाई हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें, प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। वक्रासन। वक्र का अर्थ है घुमावदार। सावधानियां। अत्यधिक पीठ दर्द एवं रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। विश्राम अवस्था से